नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में। धर्मेंद्र और फिरोज खान का गुस्सा और प्यार दोनों ही बॉलीवुड में काफ़ी फेमस है। कहा जाता है कि ये दोनों सुपरस्टार जिससे प्यार करते थे उसे टूट कर चाहते थे, लेकिन जिससे नफरत करते थे उसके साथ बेहद शिद्दत के साथ अपनी दुश्मनी निभाते थे। आज धर्मेंद्र और फिरोज के गुस्से से जुड़ी एक ऐसी कहानी हम आपको बताएंगे जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यह कहानी तब की है जब फिरोज खान के भाई संजय खान ने फिल्मों में कदम रखा था। संजय खान धर्मेंद्र से करीब 4 साल बाद फिल्मों में आए थे। धर्मेंद्र ने साल 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से बॉलीवुड में कदम रखा था। संजय खान ने धर्मेंद्र की ही सुपरहिट फिल्म हकीकत से शुरुआत की थी। यह फिल्म 1964 में रिलीज हुई थी जिसे चेतन आनंद निर्देशित कर रहे थे। इस फिल्म में संजय खान को बेहद छोटी भूमिका में देखा गया था। हकीकत के बाद संजय खान की दूसरी फिल्म दोस्ती में लीड रोल निभाने का मौका मिला, जो साल 1964 की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इस फिल्म के बाद संजय खान को वो स्टारडम मिला जो वो चाहते थे। हालांकि उनकी एक आदत बेहद ही खराब थी। संजय खान भी अपने बड़े भाई फिरोज खान की तरह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते थे। ऐसे में उनकी हर किसी से बहस होती रहती थी और वे किसी की भी बेइज्जती करने से नहीं चूकते थे। एक बार ऐसा ही कुछ धर्मेंद्र की एक पार्टी के दौरान हुआ, जब वे हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्टर ओम प्रकाश का मजाक उड़ाने लगे। हुआ यूं था कि धर्मेंद्र हमेशा अपनी फिल्मों की शूटिंग खत्म कर हर रोज एक कॉकटेल पार्टी अरेंज करते थे और खूब शराब पीते थे और अपने साथ दूसरे लोगों को भी पिलाते थे। ऐसा ही एक बार वो एक पार्टी कर रहे थे। उस पार्टी में संजय खान और ओम प्रकाश भी थे। पार्टी में संजय खान ने कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली और नशे में अपना आपा खोने लगे। उन्होंने नशे में एक्टर ओम प्रकाश पर कमेंट करना शुरू कर दिया। पहले तो लोगों ने उनकी बातों को इग्नोर किया और उन्हें शांत कराने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी और बेहद गंदे तरीके से ओम प्रकाश की बेइज्जती करने लगे। बस फिर क्या था, धर्मेंद्र ने आओ देखा ना ताओ और संजय खान को एक जोरदार झन्नाटेदार तमाचा जड़ दिया। धर्मेंद्र के चाटे से पार्टी में हर तरफ सन्नाटा फैल गया। खुद संजय भी शांत हो गए और फिर वे बिना कुछ कहे पार्टी से घर चले गए। हालांकि बाद में धर्मेंद्र अपनी इस हरकत पर काफ़ी शर्मिंदा हुए। उन्हें मलाल था कि उन्होंने संजय खान के साथ कुछ गलत कर दिया था। आगे रिपोर्ट में मेंशन है कि जब एक बार धर्मेंद्र कहीं जा रहे थे तब उनकी मुलाकात संजय खान के बड़े भाई सुपरस्टार फिरोज खान से हुई। उस दौरान धर्मेंद्र ने फिरोज से इस बारे में बात की और माफ़ी मांगी, लेकिन इसके बाद उन्होंने धर्मेंद्र पर रिएक्ट करने की बजाय उन्होंने धर्मेंद्र से कहा, इस पर अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा भाई है ही इसी लायक। तो ऐसे थे फिरोज खान और ऐसे थे हमारे गरम धर्म पाजी। तो दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।